शारदीय नवरात्रि पर प्रसिद्ध देवास टेकरी माता मंदिर पर अल सुबह से ही देर शाम तक मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दर्शनों के लिए भक्तों की कतार लग रही है। ऐसी मान्यता है कि माताओं की दोनों मूर्तियां स्वयंभू हैं और जागृत स्वरूप में हैं। सच्चे मन से यहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वह हमेशा पूरी होती है। नवरात्रि के मौके पर हम आपको दोनों माताओं से जुड़ी कहानी बता रहे हैं। जगत जननी प्रसिद्ध देवास वाली माता के यहाँ देवास टेकरी पर स्थित मां भवानी का यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी मां के दो स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। बड़ी मां को तुलजा भवानी और छोटी मां को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा गया है कि बड़ी मां और छोटी मां के बीच बहनों का रिश्ता था। यहाँ दोनों माताएं संघ में रहती थी। एक दिन किसी बात पर दोनों बहनों में विवाद हो गया और यह बढ़ता गया, जिसके चलते दोनों ही माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपना स्थान छोड़कर खड़ी हो गई और टेकरी से जाने लगी। तभी माताओं को कुपित देखकर उनके साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनको क्रोध शांत करने और वहीं रुकने की विनती करी। दोनों ही माताएं जैसी थी वैसी ही रुक गई। बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था तो वो जैसी स्थिति में थी वैसी ही टेकरी पर रुक गई और छोटी माता टेकरी से उतर रही थी। उनका मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वे कुपित हो गई और जिस अवस्था में वे नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गई। आज भी टेकरी पर माताएं अपने उसी स्वरूप में विराजमान हैं और लोगों की यहाँ मान्यता है कि आज के दिन यहाँ की ये मूर्तियां जागृत और स्वयंभू स्वरूप में हैं। यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वे पूर्ण से हो जाती हैं। यहाँ पर लोग यह भी मानते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य हैं और उनके बिना प्रार्थना अधूरी है, इसलिए लोग बड़ी माँ और छोटी माँ के साथ भैरव बाबा के दर्शन भी करते हैं। नवरात्र के समय टेकरी की माता पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन को आते हैं और इन दिनों यहाँ पर एक विशेष पूजा भी करवाई जाती है। इसके साथ ही देवास के संबंध में और लोक मान्यता यह भी है कि यह पहला ऐसा शहर है जहां दो वंश राज करते थे, पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुल देवी है और छोटी माँ चामुंडा देवी पवार वंश की कुल देवी है। टेकरी में दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी और छोटी माँ के साथ साथ भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य मानते हैं। नवरात्रि के दिन यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। इन दिनों यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाने वाले इंदौर शहर में स्थित है। सड़क मार्ग यह शहर राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग माता की टेकरी के नीचे से गुजरता है। इनके निकटतम बड़ा शहर इंदौर है जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से आप बस या टैक्सी लेकर देवास जा सकते हैं। इंदौर शहर में रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है। इंदौर आकर आप रेल से देवास जा सकते हैं। कब से यहाँ पर आज आप पहुँच रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पर, बचपन से लेकर अभी तक यहीं। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ की दो देवी, एक तुलजा माता और एक चामुंडा माता है। एक पहाड़ के पीछे इधर आगे है और इनकी बहुत, मतलब यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, बहुत मेला लगता है। दो रास्ते, एक आगे रास्ते, पीछे से रास्ते है, यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से आए। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? 20 साल हो गया। और क्या क्या देखा है यहाँ पर आपने? व्यवस्था तो इस बार की व्यवस्था थोड़ी बहुत, मतलब परेशानी की उस पर है बहुत ज्यादा। तो पिछले बार हम सीढ़ियों से थे, इस बार पुलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा लगा हुआ, इतना नहीं लगा हुआ था। अच्छा, आपका नाम बताइए। बताएं कहाँ रहते हैं और कहाँ पर अभी पहुँचे हैं आप? मैं हाट पिपला का रहने वाला हूँ और देवास टेकरी माता दर्शन के लिए आया। अच्छा, क्या मन्नत थी आपकी? मम्मी की तबीयत ज्यादा सीरियस थी तो उनके लिए मन्नत किया था कि वो अगर ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ उठ सकूंगा। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? मम्मी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको ऑपरेशन होने वाला था पर नहीं हुआ। अच्छा, मन्नत पूरी हो गई। आप कहाँ पहुँचे हैं अभी? देवास में ही आए। माता टेकरी पर जी। क्या नाम क्या आपका? रोहित पांचाल।